नमस्कारम, मैं डॉक्टर रेखा वर्मा राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीटवाना से। आज का मेरा जो विषय है वह है बीए पार्ट थर्ड का, और विषय है महादेवी के काव्य बिंब काव्य भाषा का संदर्भ। कल्पना अपनी सर्वोत्तम रूप में दो कार्य करती है, ताजी संवेदनक्षम और अर्थपूर्ण बिंबों का निर्माण और रचना के विभिन्न तत्वों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध की स्थापना अथवा एक विधान। परंतु जब कवि का अनुभव क्षेत्र संकुचित और बोधपक्ष अपूर्ण होता है तो कल्पना अपने महत्वपूर्ण पद के नीचे उतरकर बौद्धिक क्रीड़ा अथवा उक्ति वैचित्र का साधन बन जाती है। इस प्रकार की कल्पना को अंग्रेजी में फैंसी कहते हैं, जो सृष्टि विधायनी कल्पना की सहायिका मात्र होती है। उसमें आंतरिक संश्लेषण का अभाव होता है। यदि बोधपक्ष व्यापक अर्थात कवि का जीवन अनुभव समृद्ध और गहरा है तो उसकी कल्पना भी संश्लिष्ट और गहरी होगी। साहित्य में बोधपक्ष अथवा विभाजन व्यापार का इसीलिए इतना महत्व है। सामान्यतः छायावादी कल्पना का बोधपक्ष अधिक निश्चित अर्थ में उसे अनुभूति भी कह सकते हैं अदृश्य और अस्पष्ट है, पर इसका कारण हमें तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में ढूंढना होगा। कल्पना जब रूढ़ी अथवा परंपरा के विरुद्ध एक भावात्मक विद्रोह के रूप में भावना और अनुभूति के नए सौंदर्य लोगों के बीच विचरण करती हुई दिखाई देती है तो उसे स्वच्छंद कल्पना कहते हैं। अपने इस रूप में वह जीवन और जगत की नई मन छवियों का उद्घाटन करती है और प्राचीन प्रतीकों तथा उपमानों का परिष्कार और पुनर्निर्माण भी। आधुनिक वैज्ञानिक विकास ने मानव जीवन के केवल बाह्य पक्ष को ही नहीं प्रभावित किया, उसने उसके बोध पक्ष को भी विस्तृत और संपन्न बनाया है। विचारों के नए नए क्षितिज खोले और अनुभव को फैलाने के लिए दिशाओं का अनंत विस्तार किया। अब व्यक्ति की भावना का प्रसार गिनी गिनाए विभागों की परिधि में नहीं हो सकता था, उसे खुली हवा और उन्मुक्त आकाश की आवश्यकता थी। छायावाद के अनंत और असीम इसी आवश्यकता की पूर्ति स्वरूप आए थे। छायावादी कविता का सबसे प्रिय विषय प्रकृति है। प्रकृति में भी उसका संपूर्ण रूप संसार उसे प्रिय ना था। अपनी सौंदर्य प्रिय वृत्ति के अनुसार छायावादी कवियों ने उसे कोमल रमणीक आकर्षक उदात्त और विस्मयकारी रूपों की ओर ही अधिक प्रवृत्ति दिखाई। स्वच्छंद कल्पना को जागृत और उद्दीप्त करने में प्रकृति का सौंदर्य प्रेरक शक्ति का काम करता है। आई ए रिचर्ड्स ने तो प्राकृतिक संकेतों को ही कल्पना वृत्ति का मूल उद्गम सूत्र माना है। उनके अनुसार प्रकृति की ओर से प्राप्त इंगितों पर मनुष्य का मन जिस वृत्ति के द्वारा परेसुक्त हो उठता है उसे कल्पना कहते हैं। सभी प्रकार की कल्पनाओं के लिए चाहे यह बात सत्य न हो, पर रोमांटिक कल्पना के संबंध में तो यह निर्विवाद रूप से सत्य है। महादेवी जी ने तो इसे स्पष्ट रूप में स्वीकार भी किया है कि प्रकृति के सौंदर्य और प्रकृति के ऐश्वर्य ने भारतीय कल्पना को जिन सुनहरे रुपहले रंगों से रंग दिया वे तब भी आज तक नहीं धुल सके। महादेवी जी का जो संकेत यहाँ संभवतः वैदिक कल्पनाओं और आदि काव्य की ओर है, पर छायावादी कविताओं में पाई जाने वाली प्रकृति ने से उनका एक बहुत बड़ा अंतर है जिसे नहीं भूलना चाहिए। प्रकृति पर चेतना का आरोप छायावादी कविताओं की एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है, पर यह आरोप वैदिक कल्पनाओं से बहुत भिन्न है। वैदिक ऋषि के निकट तो कोई द्विधा या द्वंद्व था ही नहीं। वह पूरी अंतर्मन से स्वीकार करता था कि नदी, सूर्य, उषा, चंद्रमा, वरुण आदि शक्ति और चेतना के लोकोक्त रूप हैं। वे आरोप नहीं करता था, केवल विश्वास करता था। पर छायावादी कवि का आरोप एक प्रकार का विशुद्ध काव्यात्मक भ्रम था।
उनके पीछे विश्वास का कोई दृढ़ आधार नहीं था। उसी चेतना का आरोप न कहकर कवि का आत्म प्रक्षेपण कहना अधिक संगत होगा। इसका प्रमाण यह है कि छायावादी कवियों ने भी कहीं भी प्रकृति को अपने से अलग करके देखने का प्रयास नहीं किया है। दूसरे शब्दों में विशुद्ध प्राकृतिक चित्रण कभी नहीं करते, बल्कि प्रकृति के स्पर्श से मन में जो छायाचित्र उठते हैं उन्हीं का काव्यात्मक उपयोग करती हैं। स्वच्छंद कल्पना का एक अधिक सूक्ष्म अंतर्दृष्टि मूलक एक रहस्यपरक कवियों में पाया जाता है। वहाँ कवि का सारा मूर्तिकरण एक प्रकार की सांकेतिक गरिमा से भर उठता है। रहस्यवादी कवि के निकट प्रत्यक्ष वस्तु एक प्रतीकात्मक सत्ता के रूप में होती है, जो निरंतर अपने से परे किसी बृहत्तर सत्य की ओर इंगित करती रहती है। बाह्य रूपाकारों से उसका संपर्क टूट जाता है और अनुभवकर्ता एक ऐसी शब्दगत मनोदशा में पहुंच जाता है जहां वह अपने समान धर्मा मनुष्यों के बीच नितांत अकेला होता है। ऐसी अवस्था में कभी विरोधाभास की शैली अपनाने के लिए विवश होता है। शलभ में शापमय वर हूँ, किसी का दीप निष्ठुर हूँ, ताज है जलती शिखा, चिनगार या श्रृंगार माला, ज्वाल अक्षक कोश सी अंगार मेरी रंगशाला, नाश में जीवन किसी की साथ सुंदर हूँ। इस प्रकार विरोधी बिंबों में तीव्रतम अनुभूति की अभिव्यक्ति करने की अद्भुत क्षमता होती है। मनुष्य के वृत्तिगत साधनों में सबसे पहला स्थान सौंदर्य वृत्ति का है। सौंदर्य की रहस्यमय प्रेरणा उसे प्रकृति के आभ्यंतर रूप की खोज के लिए विकल करते हैं। सौंदर्य की मूल की यही खोज जब सार्थक बिंबों में रूपांतरित होकर अभिव्यक्ति पाती है तो उससे रहस्य प्रधान ऋचाओं, सूक्तियों, पदों और गीतों का जन्म होता है। छायावादी कवियों ने ऐसे बिंबों की अवधारणा प्राय एक अस्पष्ट और धूमिल वातावरण में की है। जीवन की गोधुली, रजनी का पिछला प्रहर, नीतीश की शादी और प्रतीश वेला की जागरण से पूर्व की निष्पंद जनशून्यता रहस्यवादी कवियों की ये परिचित पृष्ठभूमियाँ हैं। इसके अतिरिक्त स्वप्न, संध्या, नक्षत्र, प्रभात, पवन, वसंत इत्यादि के चित्र भी प्राय मिलते हैं। कवि की अंतर्दृष्टि इन चित्रों पर एक अनुराग रंजित व्यक्तित्व का आरोप कर लेती है और इस प्रकार आत्मनिवेदन के लिए एक मूर्त कल्पना का आधार मिल जाता है। उसका एक पक्ष तो पाठकों की रस संवेदना को तृप्त करने में समर्थ होता है, पर एक दूसरा पक्ष भी होता है जो केवल उसकी दृष्टि को विस्मय विमुक्त और चमत्कृत करके छोड़ देता है। तात्पर्य यह है कि अंतर्दृष्टि प्रेरित बिंबों का पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कभी नहीं हो पाता। कुछ ऐसा होता है जो हर बार पाठक की संवेदन क्षमता की परिधि से बाहर रह जाता है। यहाँ तक कि रहस्यवादी कविता का एक दृश्य बिंब भी चक्षु का विषय उतना नहीं होता जितना भावना का या सूक्ष्म संवेदना का, उदाहरण के लिए माधवी का यह बिंब है। रजत रश्मियों की छाया में धूमिल धंसा वह आता। इसमें संदेह नहीं कि सौंदर्य दृष्टि की सूक्ष्मता और बिंब की गहन रूपात्मकता पृष्ठभूमि हमें प्रभावित अवश्य करती है, पर रजत रश्मियों की छाया और उसमें धूमिल घन की कल्पना हमारे लिए सहज ग्राही नहीं होती। अतः इस प्रकार की कविताओं में बिंब ग्रहण इंद्रिय स्तर पर ना होकर मानसिक स्तर पर होता है। पहले मन अनुभव करता है और फिर इंद्रियां उस अस्पष्ट अनुभव की पुष्टि करती हैं। अब हम लेते हैं काव्य भाषा नए शब्दों का आगमन, कि किस प्रकार के नए शब्दों को महादेवी वर्मा ने प्रयोग किया है। बिंब विधान की शैली में परिवर्तन और परिष्कार लाने के लिए काव्य भाषा को भी परिवर्तित और परिष्कृत करना आवश्यक था। द्विवेदी युग की संवेदन शून्य इतिवृत्तात्मक भाषा नई अनुभूतियों को संप्रेषित करने में असमर्थ थी।
उस युग का कवि अपनी मर्यादावादी दृष्टि के अनुसार प्रत्येक शब्द को उसके कोशगत अर्थ में ही प्रयुक्त करता था। वह शब्द चयन को कल्पना व्यापार के अंतर्गत नहीं मानता था। शब्दों के चुनाव और उनमें काव्यात्मक अर्थों का प्रक्षण वह अपनी मर्यादित विवेक बुद्धि से ही करता था। स्वच्छंदतावादी आंदोलन का आगमन ही वस्तुतः अनुशासित काव्य दृष्टि और मर्यादित विवेक बुद्धि के विरुद्ध हुआ था। अतः काव्य भाषा के निर्माण की दशा में भी छायावादी कवियों ने स्वच्छंद कल्पना का भरपूर उपयोग किया है। महादेवी के शब्द हैं अपरिचित, संकल्प, निर्माण उन्मत्त, अंक संस्कृति, हाट, मेला, दुकेला, तुलिका, निर्वाण, शयनागार, असीम, सीमा, ढड़कीला, दीपावलियाँ, शून्य, श्रृंगार, नीलम, तितली, केसर, खुमार, चितेरा, मौम, जुगनू, सीप, यवनिका, वारिद घोष, अभिसार, आसव, दीपशिखा, शलभ, चित्रपटी, आविल, पंकिल, वेणीबंधन, शीश फूल, अंजलि, दुकूल, पदचाप, शेफाली, मौलश्री, प्रवालकुंज, हरशृंगार, बानी, रजनीगंधा, पाटल, वकुल, घनसार, टकसाल, लीला कमल, रेखाक्रम, स्वर संगम, दृगजल, मेहंदी, दर्पण, अंगराग, लोरी, अर्चन, कैर वचन, अश्रुमाल आदि। मांदीपी के शब्दों की सीमा उनकी अपनी सुरुचि और व्यक्तिगत परिवेश की सीमा है। अन्य छायावादियों की तरह शब्दों और बिंबों की खोज में उन्हें अपने घर की सीमा के बाहर बहुत कम जाना पड़ा है। जिन वस्तुओं से एक सुरुचि संपन्न नारी अपने घर आसपास को अलंकृत और आकर्षक बनाती है, उन्हीं वस्तुओं के कलात्मक उपयोग से उन्होंने अपने काव्य को मूर्त और भास्वर रूप प्रदान किया है। वही दीपशिखा, अंगराग, घनसान, घनसार, दर्पण, केसर, अगुरु, धूम, वेणीबंधन, शीशफूल, अलतक और दुग्गुल आदि ऐसे शब्द हैं जो उनकी रहस्यात्मक कविताओं को भी एक घरेलू स्पर्श से युक्त कर देते हैं। इन परिचित रहस्यात्मक शब्द संकेतों से उन्होंने एक अत्यंत मोहक और आत्मीय वातावरण तैयार किया है। स्वभाव से कलाकार होने के कारण उन्होंने चित्र के बाह्य उपकरणों का भी काव्यात्मक उपयोग किया है। तुलिका, प्याले, चित्रपटी, मोम, रेखाक्रम इत्यादि उनके यहाँ प्राय मिल जाते हैं। इसी कला प्रियता ने उन्हें दीप्त और आकर्षक रंगों की ओर आकर्षित किया। मरकत, नीलम, मोती और प्रवाल कुंज जैसे शब्द इसी सौंदर्य दृष्टि की उपज हैं। प्राकृतिक वस्तुओं में वे शेफाली, मालश्री, हरशृंगार और वकुल की परिधि के बाहर बहुत कम गईं, और यदि गईं भी तो अधिक से अधिक वाणी रंगकुच तक। व्यापकता की दृष्टि से महादेवी का शब्दकोश छायावाद के अन्य बड़े कवियों की तुलना में बहुत सीमित है। उन्होंने गिने चुने शब्दों को भी तराश कर एक ऐसी दीप्ति और कलात्मकता गरिमा देती है जो दूर से ही पाठक को अपनी ओर आकृष्ट करती है। अब आता है बिंबधर्मी विश्लेषण। छायावादी कवियों ने विशेष्य के विस्तार के साथ साथ विशेषणों के क्षेत्र का भी विस्तार किया। उनकी सूक्ष्म जटिल वस्तुओं की विशेषताओं पहली बार उद्घाटित हुईं। जीवन और जगत के अलग अलग पड़े हुए असंख्य विशेष और विशेषण पहली बार एक दूसरे के निकट लाए गए। इस कार्य में सृष्टि विधायनी स्वच्छंद कल्पना का पूरा उपयोग किया गया। परिणाम यह हुआ कि ऐसे वैशिष्य और विशेषणों के बीच भी संबंध स्थापित किया गया जिनमें ऊपर से देखने पर कोई समानता अथवा निकटता नहीं थी। अनेक विशेषणों को उनके चिर परिचित संदर्भ से स्थानांतरित करके नए अपरिचित संदर्भों से संयुक्त किया गया।
आधुनिक समीक्षा की भाषा में यह पद्धति विशेषण संदर्भों के नाम से पुकारी जाती है। हिंदी कविता के रूप विन्यास के विकास में छायावादियों की यह देन बहुत महत्वपूर्ण मानी जाएगी। अब आता है महादेवी के कुछ महत्वपूर्ण विशेषण। दीवानी चोटें, ढरकीला श्रम, मीठी याद, स्वप्निल हाला, मधुमेह पीड़ा, अरुणवान, स्वप्निल घन, व्यथासिक्त चितवन, बेसुध नर्तन, गर्वीला जग, तरल रजत, मोक प्यास, सईस्मत चुंबन, निष्फल दिन, मोक परिचय, चौकी रजनी आदि। महादेवी के विशेषणों में अधिक चमक और कलात्मक सूक्ष्मता पाई जाती है। अपनी जैवीय प्रकृति के अनुसार उन्होंने नारी सुलभ विशेषणों का प्रयोग अधिक किया है। इस प्रकार के विशेषण केवल एक अतिरिक्त अलंकृति का काम करते हैं। महादेवी जी की निजी विशिष्टता की झलक हमें दूसरे प्रकार के विशेषणों में मिलती है, जैसे धूप छाई, विरह बेला, निष्फल दिन, एकाकनी बरसात। इनमें से अंतिम विशेषण ध्यान देने योग्य है। बरसात को एकाकनी कहकर उन्होंने सारी करुणा को जैसे मूर्त कर दिया है। उनके अधिकांश विश्लेषण विशेषण व्यथा अथवा वेदना प्रधान हैं। यह उनके दुखवादी जीवन दर्शन के अनुकूल ही है। ताजगी और नवीनता का दृष्टि से महादेवी जी के विशेषण पंत और निरालय के विशेषणों की तरह स्वतः स्फूर्त नहीं हैं। उनमें कल्पनाजनित आवेग कम और कलात्मक सतर्कता अधिक है। अब आता है बिंब विधान और उनकी निजी विशेषताएं। महादेवी जी की कविताओं का सौंदर्य वर्ण गंधमय बिंबों की संकलन में उतना नहीं है जितना सूक्ष्म और एकोन्मुख प्रतीकों की योजना में है। रहस्य पर कवयित्री होने के कारण उन्होंने अपनी आरंभिक कविताओं में व्यंजनागर्भी बिंबों का प्रयोग अधिक किया है। रश्मि और निहार में जो दीप, फूल, आकाश और निर्जट इत्यादि के चित्र आए हैं उनमें बिंबात्मकता अवश्य है, पर साथ ही वे प्रस्तुत संदर्भ के अतिरिक्त किसी गहन अपरोक्ष सत्ता की ओर भी संकेत करते हैं। इस दृष्टि से उन्हें प्रतीकात्मक बिंब कहना अधिक संगत होगा। बाद की कविताओं में इन बिंबों की इतनी आवृत्ति हुई कि उनका इंद्रिय और मूर्त रूप विलीन हो गया और वे निश्चित रहस्यात्मक संकेतों की वाहक बन गए। इसीलिए उनके काव्य में सूक्ष्म की भावना अधिक मिलती है। स्थूल का रूपाकार कम। आधुनिक कवि के वक्तव्य में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मेरी कविता यथार्थ की चित्रकत्री न होकर स्थूल का सूक्ष्म की भावुक है। उनकी बिंबों का चयन मुख्यतः दो रूप क्षेत्रों से हुआ है, प्रकृति तथा नारी जगत। प्रकृति के अंतर्गत उन्होंने प्राय उन्हीं दृश्यों को ग्रहण किया है जो सामान्यतः संपूर्ण छायावादी कविता में पाए जाते हैं, जैसे संध्या, प्रभात, वसंत और पावस। परंतु यदि चांदनी की कवि हैं और निराला बादलों की, तो महादेवी एकाकनी बरसात की कवयित्री कही जा सकती हैं। उनकी संध्या और प्रभात के चित्रांकन में भी सूक्ष्मता और अलंकृति अधिक है। एक ही दृश्य को उन्होंने अनेक कलात्मक बिंबों में बांधने का प्रयास किया है। सूर्योदय के लिए मूर्त कल्पनाएं हैं, तमतमालिनी फूल गिरा दिन पलकें खोली, रजनी ने मरकत वीणा पर हंस किरणों की तार संभाले। पहले बिंब में प्राकृतिक तत्वों की प्रधानता है, पर दूसरे बिंब में जो रूपक प्रस्तुत किया गया है उसमें नारी जगत की जानी पहचानी वस्तुएं अधिक हैं, जैसे मरकत वीणा तार हंसी। इसी प्रकार महादेवी जी का बिंब विधान परिचित और अपरिचित, आभ्यंतर और बाह्य दोनों रूपों के तत्वों से मिलकर गठित हुआ है। जैसे यह विरह की रात कैसा है सवेरा, पंख सारथ चक्र से लिपटा अंधेरा है। रथचक्र से लिपटे हुए पंख की धारणा आज की नहीं है, इसीलिए उस उपमा में रथचक्र से संबंधित अनेक ऐतिहासिक अनुषंगों को जगाने की क्षमता है। पर महादेवी जी के काव्य में ऐसे संस्कारी बिंबों की संख्या बहुत
कम हैं। जहाँ तक निर्माण प्रक्रिया का प्रश्न है, महादेवी जी की सभी कविताओं में बिंब संगठन का सांचा लगभग एक ही है। उनकी अधिकांश बिंब अन्योक्ति अथवा रूपक प्रदान हैं, इसीलिए उनके गीतों के अलग अलग एक समन्वित एक घनीभूत रूप से हमारे सामने आते हैं। वस्तुतः उनका एक गीत एक पूरा बिंब होता है। जैसे नव के नव रंग बुनते दूकल छाया में मले बयार बली, छायावादी चित्र शब्द भाषा पद्धति की सभी तत्व इस छंद में वर्तमान हैं। कुल मिलाकर ये पंक्तियाँ कोई स्पष्ट चित्र नहीं दे पाती। इसकी अस्पष्ट मोहकता पाठक के मन में केवल एक छाया की सृष्टि भर करती है। पर जहाँ तक इस अस्पष्टता की पृष्ठभूमि अधिक सहज और आत्मीय होती है, वहाँ छायात्मक बिंब में अधिक व्यंजकता और तीव्रता आ जाती है। जैसे कौन आया था न जाने, कौन आया था न जाने, स्वप्न में मुझको जगाने, याद में इन अंगुलियों की है मुझ पर कितने युग बिताने। इस छंद में बिंब केवल एक ही है, स्वप्न में देखी हुई अंगुलियां। पर चूंकि स्वप्न में आने वाली व्यक्ति का सत्ता रहस्य में है, अति उंगलियों का भी कोई स्पष्ट चित्र नहीं बनता। इस अस्पष्ट अग्राह्य चित्र में जो तीव्रता आई है, वह जगाने क्रिया की इंद्रिय अनुभूति के कारण है। दूसरा उदाहरण है, पूछता क्यों शेष कितनी रात, पूछता क्यों शेष कितनी रात, अमर संपुट में ढला तो छू नखों की कांति चिर, संकेत पर जिनके जला तो स्निग्ध सुधी जिनके लिए कज्जल दिशा में हंस चला तो, परिधि बन तेरे घेरे तुझे वे अंगुलियां अवदात। कहीं कहीं अमूर्त वस्तुओं के मिश्रण से भी बिंब निर्माण का प्रयास किया गया है। मांदीपी जी की एक पंक्ति है, सजनी अंतरहित हुआ है आज मैं धुंधला विफल कल। यह एक भिन्न प्रकार का मिश्रित बिंब है, जिसका प्रत्यक्षीकरण आज और कल के साथ जुड़ी हुई पाठक की व्यक्तिगत स्मृतियों के आधार पर ही संभव हो सकता है। छायावादी कवियों ने दोनों पद्धतियों का अवलंबन किया है। पहली पद्धति का उपयोग महादेवी जी की कविताओं में देखा जा सकता है और दूसरी का पंत और प्रसाद आदि की कविताओं में। महादेवी जी की कृतियों में दीप, फूल, बाती, तूली, झंझा, नक्षत्र, निडर आदि शब्दों की बार बार आवृत्ति हुई है। फलतः उनकी बात की रचनाओं में ये शब्द एक निश्चित अर्थ के वाक् बन गए हैं। दूसरे शब्दों में इनमें प्रतीकों से की एक उन्मुक्ता आ गई है। जैसे यह उदाहरण है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी, जब तक लौटे दिन की हलचल तब तक यह जागेगा प्रतिपल, रेखाओं में भर आभा जल दूत सांझ का इसे प्रभाती तक जलने दो। इस पूरे छंद का केंद्रीय बिंब मंदिर का द्वीप है, पर ध्यान से देखा जाए तो मंदिर का दीप एक उपलक्षण मात्र है, मुख्य अर्थ दीपक नामक पदार्थ से सर्वथा भिन्न है। तात्पर्य उस कृति साधक से है जो अंधकार में भी ज्योति की क्षीणतम आशा को अपने भीतर संजोए रहता है। इस व्यंग्यार्थ की प्रमुखता के कारण दीप शब्द का पूर्ण बिंब ग्रहण नहीं होता, पाठक सीधे उसे सांकेतिक अर्थ तक पहुंच जाता है। पर बाद की पंक्तियों में दीप के वाह्य परिवेश का जो चित्र दिया गया है, वह निस्संदेह पाठक के मन में रात की अव्याहत शांति का एक मूर्त रूप उपस्थित करता है। अतः दीप शब्द का उसके प्रस्तुत अर्थ के साथ किसी न किसी रूप से में संबंध अवश्य बना रहता है। उसकी इसी द्विमुखी भूमिका के कारण उसे प्रतीकात्मक बिंब की संख्या दी गई है। इस प्रकार से हिंदी कविता के इतिहास में छायावादी कवियों ने ही पहले पहल बिंब को उचित प्रतिष्ठा दी और उन्हीं के हाथों में कलात्मक प्रौढ़ता की अछूती ऊंचाइयों तक भी पहुंच सका। धन्यवाद।